हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैक विजिट है किसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लाए हैं पर्यायवाची शब्दों को याद करने के कुछ आसान ट्रिक और लॉजिक। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिकें आपको मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, पर्यायवाची शब्दों के ट्रिक्स बताने से पहले, आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा मैं और मेरे दोस्त भूदर की। भूदर मुझसे नाराज है, मुझसे कह रहा है कि मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। तो यही कुछ कहानी है। जैसे भूदर नाराज है, नाराज होकर वो भाग गया और पेड़ पे चढ़ गया और मुझे चढ़ना नहीं आता है पेड़ पे। तो मैं उससे बोलता हूँ, भूदर आ पृथ्वी पर। तो भूदर बोलता है, समोसा खिलाएगा, वादा कर। वो समोसा क्यों खाते हैं मालूम है? मोटू पतलू के वो वीडियो ज़्यादा देखता है। तो मैंने कहा, भूदर आ पृथ्वी पर। भूदर बोला, समोसा खिलाएगा, वादा कर। तो मैं दुकानदार के पास गया और दुकानदार से समोसे के लिए कहा। मैं बोला दुकानदार से, सुनो भूदर की जिक्र को, समोसा दो मेरे मित्र को। सुनो भूदर की जिक्र को, समोसा दो मित्र को। भूदर बोला, कमल तेरे पास पैसे हैं? मैं बोला, खा जितनी मर्जी है उतने समोसे खा, मेरे पास पैसे हैं वेतन सुजला पुत्र का। सुजला पुत्र का वेतन जो है मेरे पास ना। तो भूदर मुझसे बोलता है, यार कमल तू रहना हमें हमेशा मेरे साथ। यार कमल तू रहना हमें हमेशा मेरे साथ। मैं बोलता हूँ, समोसा खा रहा है, तेरे पाक हैं हाथ? हेलो, हाँ साफ है, अगर नहीं है तो साफ करके समोसा खाओ। हाँ साफ करके, हाथ धुल के समोसा खाओ। तो यार कमल तू रहना हमेशा मेरे साथ। मैं बोला, समोसा खा रहा है, तेरे पाक हैं हाथ? पहले हाथ साफ कर लो, इसका मतलब यह है। दोस्तों, इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी में चार सेंटेंस आए हुए हैं जो हमारी पर्यायवाची शब्दों की ट्रिक है। और वो चार सेंटेंस हैं, भूदर आ पृथ्वी पर, समोसा दो मित्र को, वेतन सुजला पुत्र का, पाक है हाथ। तो ये चार सेंटेंस हैं और यही हमारी पर्यायवाची शब्दों की ट्रिकें हैं। दोस्तों, प्रत्येक सेंटेंस के अंतिम शब्द की पर्यायवाची उसी वाक्य में छिपे हुए हैं। जैसे भूदर आ पृथ्वी पर, भूदर आ पृथ्वी पर, इस सेंटेंस में जो अंतिम शब्द है वो है पृथ्वी। तो इस वाक्य में पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची छिपे हुए हैं। ठीक इसी तरीके से समोसा दो मित्र को, इस वाक्य में अंतिम जो शब्द है, अंतिम वर्ड है वो है मित्र। मित्र को, यानी कि मित्र अंतिम शब्द है। तो इस वाक्य में मित्र के पर्यायवाची सब छुपे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से वेतन सुजला पुत्र का, किसका वेतन मिला है? वेतन सुजला पुत्र का, सुजला के पुत्र का वेतन मिला है। तो इस वाक्य में सबसे अंतिम जो शब्द है वो है पुत्र, वेतन सुजला पुत्र का। तो इसमें पुत्र के पर्यायवाची छुपे हुए हैं। और सबसे लास्ट में जो वाक्य है, पाक है हाथ, तो इसमें अंतिम शब्द है हाथ, तो इसमें हाथ के पर्यायवाची सब छुपे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, छुपे हुए पर्यायवाची शब्दों को बाहर लाते हैं, हर वाक्य का मतलब समझते हैं। तो पहला वाक्य है, भूदर आ पृथ्वी पर, भूदर आ पृथ्वी पे। तो इस वाक्य को अब हम देखेंगे, इसमें पृथ्वी शब्द जो लास्ट में आ रहा है, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द इसमें छुपे हैं, कैसे छुपे हुए हैं जरा उनको हम निकालते हैं। जैसे भूदर आ पृथ्वी पे, तो यहाँ पे भू से भूमि, धा से धरा, रा से रत्नावली और आ से अग्नि। भूदर आ पृथ्वी पर, भूधर भू से भूमि, धा से धरा, रा से रत्नावली और आ से अग्नि, और ये पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो अगला सेंटेंस था वह है, समोसा दो मित्र को। तो समोसा दो मित्र को, इसमें मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहले है समोसा, यानी कि इन अक्षरों को अलग अलग हम डिवाइड करेंगे फिर मतलब निकालेंगे। तो समोसा दो दो मित्र को, सा से है सहचर और मो समोसा, सा से है सहचर, मा से है मित्र और सा से है साथी और दो से है दोस्त। यानी कि सहचर, मित्र, साथी, दोस्त, ये सभी मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है, अगली ट्रिक है, वेतन सुजला पुत्र का, वेतन सुजला पुत्र का। अब इसमें पुत्र के पर्यायवाची शब्द है कैसे? वे से है बेटा, ता से है तने, ना से है नंद, सु से है सुत और जा से है जात
और ला से है लड़का, यानी कि बेटा, तने, नंद, सुत, जात, लड़का, ये सभी पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों हमारा जो लास्ट सेंटेंस है उसको बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हमारा जो सबसे अंतिम सेंटेंस है वो है पाक है हाथ। तो इसमें हाथ शब्द के पर्यायवाची शब्द निकलेंगे कैसे, पाक है हाथ, पासे है पाड़, कासे है कर और हासे है हस्त। पाक है हाथ, पासे पाड़, कासे कर और हासे हस्त, ये सभी हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।